दोस्तों, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से रिलीज हुई इस फिल्म की शुरुआत में हमें 22वीं शताब्दी दिखाई जाती है। फ्यूचर के इस वक्त में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का स्तर बढ़ चुका है और समंदर के आसपास के सभी शहर समंदर के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। शहरों के डूबने के साथ धीरे धीरे काफी लोग इस दुनिया से विदा ले रहे होते हैं। भविष्य के इस वक्त में इंसान ने रोबोट्स भी बना लिए हैं। यहाँ हमें प्रोफेसर एलन से मिलवाया जाता है। साइंटिस्ट एलन ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो पूरी तरह से इंसान की तरह दिखता है और इंसानों की तरह बातें भी समझता है। हालांकि इस रोबोट में इमोशंस नहीं है जो इसे इंसानों से अलग बनाता है। फिर प्रोफेसर एलन अनाउंसमेंट करते हैं कि जल्द ही हम ऐसा रोबोट बनाने वाले हैं जो इंसानों की भावनाओं को समझेगा। इसके अंदर हर तरह के इमोशंस होंगे। ये रोबोट एक बच्चे की तरह होगा और जो इसे खरीदेगा उसे वो निस्वार्थ भाव से प्यार करेगा। फिर हमें इसी कंपनी में काम करने वाले हेनरी और उसकी वाइफ मोनिका से मिलवाया जाता है। दरअसल हेनरी और मोनिका का बेटा मार्टिन एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो इंसान के शरीर में होने वाली गतिविधियों को धीमा कर देती है। दरअसल मार्टिन बहुत ज्यादा बीमार है और इस बीमारी में उसकी जान न चली जाए इसीलिए उसे इस चैम्बर में रखा जाता है। इस दौरान प्रोफेसर एलन भी अपना पहला ह्यूमन चाइल्ड रोबोट बना चुके होते हैं जिसके अंदर प्यार, संवेदना इन जैसे इमोशंस होते हैं और वो उस रोबोट को हेनरी को दे देते हैं। हूबहू इंसानी बच्चे की तरह दिखने वाले इस प्यारे रोबोट का नाम डेविड होता है जिसे हेनरी अपने घर ले जाता है। डेविड को देख मोनिका हेनरी से कहती है कि मैं अपने बेटे की जगह किसी रोबोट को नहीं देना चाहती। लेकिन हेनरी अपनी वाइफ मोनिका को समझाता है कि हमें अपनी जिंदगी को एक और मौका जरूर देना चाहिए। काफी कोशिशों के बाद मोनिका उसकी बात मान जाती है। फिर हेनरी मोनिका को एक पासवर्ड देता है और कहता है कि इस पासवर्ड को दोहराने के बाद डेविड हमेशा के लिए तुम्हारा बेटा हो जाएगा और जब तुम इससे दूर होना चाहोगी तो हमें इसे कंपनी को डिसमेंटल करने के लिए वापस देना होगा, क्योंकि एक बार जब ये रोबोट किसी के घर में रहता है तो उसके सिस्टम में कैद हुई यादों को कोई मिटा नहीं सकता, इसीलिए इस रोबोट को फिर डिसमेंटल ही करना पड़ता है। हालांकि मोनिका डेविड के सामने उस पासवर्ड को नहीं बोलती है। शुरुआत में मोनिका डेविड से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है डेविड की मासूमियत को देखकर मोनिका उसे पसंद करने लगती है और आखिरकार वो डेविड के सामने उस पासवर्ड को बोल ही देती है, जिसके बाद डेविड उसे मॉम कहकर पुकारता है। फिर हमें माँ बेटे के गले लगने का प्यारा सा दृश्य देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे इस माँ बेटे का रिश्ता गहरा होता चला जाता है। एक दिन डेविड मोनिका के पास आता है और कहता है कि मॉम, क्या तुम मर जाओगी? तब वो मोनिका कहती है कि हाँ, शायद 50 साल तक मैं और जी पाऊं। डेविड अपनी मॉम को कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा जिंदा रहें। डेविड की मासूमियत देकर मोनिका उसे एक टेडी बियर देती है। ये एडवांस टॉय बात भी करता है। कहानी में कुछ और दिन बीत जाते हैं, फिर मोनिका को एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि उसका बेटा मार्टिन ठीक हो चुका है और अब उसे अपने घर भेजा जा रहा है। मार्टिन जब अपने घर वापस आता है तो मॉम डैड को डेविड से प्यार करते देख मार्टिन को जेलसी होने लगती है और वो डेविड को एहसास दिलाने लगता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट है। एक रात को मार्टिन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मॉम हमेशा तुमसे प्यार करे तो तुम्हें उनके बाल काट कर अपने पास संभाल कर रखने होंगे। अब मासूम डेविड भी ऐसा करने अपने मॉम डैड के कमरे में चला जाता है और मोनिका के बाल काटने की कोशिश करता है, पर तभी मोनिका और हेनरी नींद में से उठ जाते हैं और हेनरी डेविड को डांटने लगता है। डेविड के हाथ से मोनिका के बाल उसके दोस्त टैडी के पास गिर जाते हैं। अगले दिन मार्टिन और डेविड एक पूल पार्टी में जाते हैं जहां डेविड को मार्टिन के दोस्त सताने लगते हैं। वो लोग डेविड के हाथ पर चाकू चुभाने लगते हैं ताकि वो देख सकें कि रोबोट को दर्द होता है या फिर नहीं। प्रोफेसर एलन ने डेविड की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी की थी कि उसे डर भी लगता है और वो डर के मारे मार्टिन को पकड़ लेता है। तभी उन दोनों का पैर फिसल जाता है और वो पूल में गिर जाते हैं। डेविड मार्टिन को कसकर पकड़े रखता है जिससे मार्टिन पानी के ऊपर नहीं आ पाता है और उसकी सांस रुकना शुरू हो जाती है। हालांकि मार्टिन की जान को बचा लिया जाता है, लेकिन अब हेनरी डेविड को डिसमेंटल करने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद मोनिका डेविड को वापस कंपनी को देने के लिए ले जाती है। लेकिन मोनिका का ये काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि जो भी हो उसने भी डेविड को अपना बेटा ही माना था। फिर मोनिका डेविड को जंगल में उतार कर कहती है कि तुम अपने जैसे रोबोट्स के पास चले जाओ। इस बात को सुनकर डेविड बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है कि अगर मैं ब्लू फेरी से मिलकर असली इंसान बन गया तो क्या आप मुझे अपने साथ रहने दोगी?
इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि मोनिका ने डेविड को द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो की एक कहानी सुनाई है, जिसमें पिनोकियो नाम के पपेट को ब्लू फेरी एक इंसान बना देती है। मोनिका उसे कहती है कि ऐसी कोई परी नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी थी। फिर मोनिका डेविड को छोड़कर वहां से चली जाती है और डेविड जंगल में आगे बढ़कर अपने जैसे और रोबोट से मिलता है, जिन्हें एक संगठन गिरफ्तार कर लेता है। दरअसल ऐसे ग्रुप्स बिन मालिक के रोबोट्स को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लोगों के बीच मैदान में डेविड की मुलाकात जॉय नाम के रोबोट से होती है, जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम होता है। और जब जॉय एंड डेविड को डिस्ट्रॉय करने की सजा के लिए पेश किया जाता है, तो डेविड की मासूमियत देखकर लोगों को असली बच्चा लगने लगता है और वो उसे छुड़ाने आगे बढ़ते हैं। जिस भी जॉय और डेविड वहां से भाग निकलते हैं, यहां डेविड अपने दोस्त को अपनी मॉम के पास वापस जाने की बात बताता है और कहता है कि जब तक मैं रियल न बन जाऊं, तब तक मैं वापस नहीं जा सकता और इसके लिए मुझे ब्लू फेरी से मिलना होगा। ये सुनकर जॉय डेविड को शहर में डॉक्टर नो से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। दरअसल डॉक्टर नो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोग्राम है, जो कि आपके सवालों का जवाब देता है। तब डेविड डॉक्टर नो से पूछता है कि कैसे मैं एक रोबोट से इंसान बन सकता हूं। तभी स्क्रीन पर इस सवाल का जवाब जानने वाले शख्स प्रोफेसर एलन हॉबी का नाम लिखा हुआ आता है। वो वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेविड को बनाया था। हालांकि जॉय डेविड को बताता है कि प्रोफेसर एलन मैनहट्टन सिटी के रॉक फेलो सेंटर में है और वो शहर काफी हद तक पानी में डूब चुका है, लेकिन जॉय पुलिस ऑफिसर्स का हेलीकॉप्टर चुरा कर डेविड को मैनहट्टन लेने चला जाता है, जहां डेविड को ड्रॉप करके जो वहां से निकल जाता है। और ये प्यारा बच्चा फिर उस बिल्डिंग में ब्लू फेरी को ढूंढने लगता है। वहां डेविड को अपने जैसा दिखने वाला लड़का मिलता है, जिसे देख डेविड के दिमाग में गुस्से के इमोशंस रिलीज होते हैं और डेविड उस लड़के को मारना शुरू कर देता है। तब यहां प्रोफेसर एलन आ जाते हैं, जिन्हें डेविड कहता है कि मुझे असली इंसान बनना है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के पहले रोबोट हो जिसमें इंसानों के सभी इमोशंस हैं और तुम किसी इंसान से कम नहीं हो। वो उसे समझाते भी हैं कि ब्लू फेरी सिर्फ एक कहानी का किरदार है, उसका असल जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रोफेसर एलन उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हें मैंने अपने बेटे की शक्ल दी है। अब वो अपनी टीम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। डेविड यहाँ पर देखता है कि उसी की तरह दिखने वाले यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ आर्ली नाम की एक फीमेल रोबोट को भी तैयार किया गया है, जिसकी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। ये सभी चीजें देखकर डेविड को अपने अस्तित्व के खत्म होने का एहसास होता है, क्योंकि उसका सबसे अलग और अनोखा होने का भ्रम टूट जाता है। उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो इंसान कभी नहीं बन सकता और उसकी माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी। इसीलिए अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए वो बिल्डिंग की छत से पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन वो उस चीज के पास जाए उससे पहले ही उसकी जान बचाने के लिए जॉय उसे ऊपर खींच लेता है। दोस्तों, डेविड अपने इस दोस्त को बताता है कि मैंने पानी में ब्लू फेरी को देखा है, लेकिन तभी वहां एक जहाज आता है जो जॉय जैसे बिन मालिक के रोबोट्स को पकड़ने वाले ऑफिसर्स का होता है और वो उसे मैग्नेटिक फोर्स से ऊपर खींच लेते हैं। यहां जाते जाते हेलीकॉप्टर को सबमरीन मोड में सेट करके जॉय अपनी दोस्ती निभाकर जाता है। फिर अपने टैडी के साथ डेविड उस ब्लू फेरी के पास जाता है। दरअसल वो नीली परी सिर्फ एक मूर्ति होती है, जिसे आइलैंड पर इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। डेविड ब्लू फेरी को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा झूला उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर आकर गिरता है, जिससे इनका हेलीकॉप्टर फंस जाता है। लेकिन अब भी डेविड ब्लू फेरी को असली मानकर उसे देखता रहता है और बार बार एक ही बात कहता है कि मैं इंसान बनना चाहता हूं ताकि मैं अपनी मॉम के पास जा सकूं। यही बात बार बार दोहराते हुए उसकी चार्जिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो वहीं फंसा रहता है। इस घटना को पूरे 2000 साल बीत जाते हैं और इन 2000 सालों में इंसान धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और अब पृथ्वी पर सिर्फ कुछ एडवांस फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स मौजूद हैं, जिन्हें डेविड का हेलीकॉप्टर मिलता है और उसके सिर पर हाथ लगाकर इलेक्ट्रिक पावर देकर उसे जगा देते हैं। 2000 साल बाद भी वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर उसी ब्लू फेरी के पास जाता है और स्टैचू को छूने से वो टूटकर बिखर जाता है। वो आधुनिक रोबोट्स उत्सुकता से जब डेविड के मेमोरी को रीड करते हैं, तब उन्हें डेविड के इमोशंस और उसकी माँ के लिए उसका लगाव फील होता है। इस बच्चे की यादें पढ़ने के बाद एक रोबोट उसके पास ब्लू फेरी बनकर आता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम और सभी इंसान अब मर चुके हैं, लेकिन हम तुम्हारे वक्त से उन कुछ लोगों को वापस ला सकते हैं जिनका डीएनए हमारे पास है। तब डेविड का दोस्त टैडी डेविड को उसकी मॉम से 2000 साल पहले काटे हुए बाल दिखाता है।
जो उसने मार्टिन की उस झूठी बात को सच मानकर आज तक संभाल कर रखा था, और मोनिका के इस डीएनए सैंपल से वो उसे फिर वापस बना देते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ एक ही दिन के लिए जिंदा रह सकती थी और उसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता था। डेविड और मोनिका एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और माँ बेटे दोनों पूरे दिन काफी एंजॉय करते हैं। फिर रात को सोते वक्त मोनिका डेविड से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद मोनिका और डेविड दोनों सो जाते हैं। डेविड को इस बात का पता है कि उसकी मॉम अब फिर कभी नहीं उठ पाएगी, लेकिन इतने साल इंतजार करने के बाद अपनी माँ के साथ एक दिन बिताकर डेविड बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर फिल्म पूरी हो जाती है। इस फिल्म को स्टीवन स्पाइलबर्ग ने डायरेक्ट किया था और 2001 में रिलीज किया था। इसी डायरेक्टर ने 2021 की इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस हिट मूवी वेस्ट साइड स्टोरी को भी डायरेक्ट किया है। खैर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की इस मूवी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसे ही हमारे चैनल हिंदी टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।